नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ITI फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर अगस्त जो परीक्षा हुआ था 2023 वाला फिटर सेकेंड ईयर का, तो कुछ लोगों का दोस्तों क्या है कि पेपर लेट हुआ था। ये जो पेपर हुआ था 15 दिसंबर 2023 को हुआ था, तो इस पेपर को ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम लोग देखने वाले हैं फिटर सेकेंड ईयर का। और आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल। जो आपको वाल्व प्रतीक दिखाया गया है, इस वाल्व प्रतीक का नाम बताना है दोस्तों। तो ये जो वाल्व प्रतीक है ये आपका टू वे वाल्व है, तो थ्री टू वे वाल्व है। ठीक, तो 3 2 वे वाल्व यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है विच अलाइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है? तो देखिए, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर जो मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है वह रहता है आपका कैडमियम बेस्ड एलॉय। कैडमियम आधारित मिश्र धातु यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द गेज यूज्ड, इस गेज का उपयोग क्या है? तो दोस्तों देखिए, ये आपका जो गेज होता है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों थर्ड प्लग गेज। जो फिगर है थर्ड प्लग गेज, यहाँ पर स्क्रू थ्रेड प्लग गेज या थर्ड प्लग गेज यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बियरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द सॉफ्ट। क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक सॉफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? तो इससे कम होना चाहिए क्यों? क्योंकि सॉफ्ट जब्ती को रोकता है, यानी कि प्रिवेंट सॉफ्ट रिज्यूअर। तो प्रिवेंट सॉफ्ट साइजर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो जो बेल्ट यूज किया जाता है दोस्तों वह रहता है आपका वी बेल्ट। छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो आपको स्नेहन सिस्टम दिखाया गया है ये किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम है? ये जो आपको लुब्रिकेशन सिस्टम दिखाया गया है दोस्तों ये आपका स्प्लैश लुब्रिकेटिंग का है, तो स्प्लैश लुब्रिकेटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कर रहा है व्हाई फाउंडेशन बोल्ट आर इसेंशियल टू मशीन। मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक होते हैं? देखिए, मशीनों के लिए जो फाउंडेशन बोल्ट आवश्यक होते हैं वो रहता है होल्ड मशीन फर्मली, मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए। ठीक, आठवां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। एसआई इकाई की बल की इकाई क्या होती है? एसआई में दोस्तों बल की इकाई होती है न्यूटन, यहाँ पर आपका न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवा क्वेश्चन कह रहा है विच गियर रन मोर साइलेंटली, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? तो जो हेलिकल गियर रहता है दोस्तों यह बहुत ही शांति के साथ चलता है, तो हेलिकल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में दोस्तों ये जो आपको चिन्ह दिखाया गया है ये किस प्रकार का सिंबल है? तो दोस्तों ये जो आपको है दोस्तों ये शेड्यूल्ड फॉर फ्रिक्वेंसी अदर देन अबव, आवृत्ति के लिए निर्धारित यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर। दोस्तों अब देखिए ये वाला जो सिंबल है ये आपका डेली का है, ठीक, और ये वाला जो सिंबल है ये आपका महीने का है, वीकली का है, और ये वाला जो है ये आपका कहलाता है महीने वाला। ये डेली, साप्ताहिक और ये वीकली मंथली। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ पाइप ज्वाइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? देखिए, जिस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है वह रहता है आपका टी ब्रांच, तो टी ब्रांच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। ये जो आपको ऑपरेशन दिखाया गया है इस ऑपरेशन का नाम बताना है। ये जो ऑपरेशन है दोस्तों ये आपका है लैपिंग लार्ज डायमीटर, तो लैपिंग लार्ज डायमीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ की का उद्देश्य क्या है। देखिए की का प्रयोग हम लोग टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को संचारित करने के लिए हम लोग कुंजी या की का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ओपन बेल्ट लेंथ इफ सेंटर डिस्टेंस इज x। यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या होगा, ये होगा कैपिटल एल इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई टू इंटू 3 से 1/7 प्लस 2x। 15 नंबर क्वेश्चन करे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिब हेड की, जिब हेड की का प्रयोग हम लोग किस के लिए करते हैं, तो कैन बी विड्रा इजिली, आसानी से निकाला जा सकने के लिए जिब हेड की का उपयोग का यही फायदा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहे विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। देखिए नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए हम लोग बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यहाँ पर एक्स पार्ट ये आपका कहलाता है हाइट ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज की ऊंचाई, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक, और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमल्टेनियसली, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है, तो वो रहता है दोस्तों आपका हनिंग। ठीक, तो जो परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है वो रहता है आपका हनिंग प्रोसेस। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच फाइल विथ शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन शार्प्ड एंड नॉन मेटालिक मटेरियल, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं, ये होते हैं आपके ड्रेडनॉट फाइल में। 20 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड एज ए ग्राउटिंग फॉर स्टीम टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन के लिए ग्राउटिंग के लिए किस रूप किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टीम टर्बाइन में ग्राउटिंग के लिए दोस्तों हम लोग लेड सामग्री का प्रयोग करते हैं या मटेरियल का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द क्विंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, शीतलन की दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए कौन सी ऊष्मोपचार प्रक्रिया क्विंचिंग मीडिया है, यह हो दोस्तों आपका ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन से दोस्तों जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसमें जो कूलिंग रेट होती है बहुत ही जल्दी होती है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन कंप्रेसर, कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए ये यहाँ पर जो आपको एक्स पार्ट ये दर्शाया गया है दोस्तों, ये एक्स पार्ट आपका कहलाता है प्रेशर गेज का, तो प्रेशर गेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस इनेबल्स डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल, कौन सा उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है। तो देखिए जो उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है वह आपका थ्रॉटल वाल्व रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड, किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। तो जिस प्रकार के बियरिंग का उपयोग भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है वह रहता है आपका डबल रो रोलर बियरिंग, डबल रो रोलर बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक का उपयोग क्या है। देखिए स्नेहक का प्रयोग हम लोग इम्प्रूव्ड मशीन एफिशिएंसी, बेहतर मशीन दक्षता के लिए हम लोग लुब्रिकेशन या स्नेहन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द की, आपको दोस्तों ये जो की दिखाया गया है इस की का नाम आपको बताना है, ये दोस्तों आपका कहलाता है पैरेलल संक की। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द गियर, ये जो आपको गियर दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका माइटर गियर, और इसका जो वेलोसिटी रेशियो होता है वह 1 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर, विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए मानक फिटिंग का जो उपयोग करते हैं वह रिड्यूसर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉच इन की, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। देखिए ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए हम लोग वार्डनिंग फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो पाइप को दोस्तों हम लोग मटेरियल के आधार पर वर्गीकृत या क्लासिफाइड।
31 नंबर क्वेश्चन है, विच इलास्टिस्ट दैट द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन। इस नियम में यह कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया सभी दबाव दिशा में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। देखिए पास्कल का नियम यह कहता है कि किसी तरल पर अगर आप लोग दबाव डालते हैं तो वह सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित हो जाता है। यहाँ पर पास्कल का नियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑयल मिक्स्ड विद वाटर। सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी में से मिलाया जाता है, तो रहता है आपका व्हाइट। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है, ये रहता है दोस्तों आपका केरोसिन। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो गेज आपको दिखाया गया है दोस्तों ये आपका रेडियस गेज या रेडियल गेज कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर आर लोड। स्नेहक सुगुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार वहन कर सकता है, वो रहता है आपका विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। तो स्नेहक की श्यानता गुण के कारण वह उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। कपलिंग का नाम बताना है, ये जो कपलिंग आपको फिगर में दिखाया गया है यह आपका यूनिवर्सल कपलिंग का फिगर दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग। ये आपको कौन सी मेटल कोटिंग दिखाई गई है, ये जो मेटल कोटिंग है दोस्तों ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। जिग में घटक के गलत लोडिंग का कौन सा हिस्सा प्रतिबंधित करता है, तो ये आपका रहता है लोकेटिंग पिन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा टॉपिक है ये आप लोगों का। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से हम लोग दर्शाते हैं, लंबाई में परिवर्तन को दोस्तों हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये जो आपको प्रतिबल दिखाया गया है तो ऊपर का प्लेट दोस्तों लेफ्ट साइड में खींचा जा रहा है और यहाँ पर नीचे का प्लेट राइट साइड में खींचा जा रहा है, तो जो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर बनेगा ये रिवेट है, ये आपका सीयर कर जाएगा यानी कि कट जाएगा। तो बीच का पार्ट कटेगा तो यहाँ पर सीयर स्ट्रेस हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे, कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है, देखिए स्नेहक का प्रयोग हम लोग करते हैं टू रिड्यूस फ्रैक्शन, घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। चौथा क्वेश्चन करें, विच लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। किस लाइन को कॉर्ड यानी कि जिया कहा जाता है, तो ए बी रेखा को दोस्तों हम लोग जिया कहते हैं, तो ए बी रेखा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करें, विच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट। कौन सा प्राधिकरण दरों की सूची को प्रकाशित करता है, ये रहता है आपका दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। छठा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि विकृति का जो फार्मूला होता है वो होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और लंबाई लंबाई कट जाता है तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं बचता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, लॉक नट और चक नट इज चैम्फर्ड ऑन। लॉक नट या चक नट को कैसे चैम्फर किया जाता है, तो देखिए लॉक नट और चक नट को दोस्तों हम लोग दोनों तरफ चैम्फर करते हैं, तो बोथ साइड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी फास्टनिंग। तो स्क्रू जो है दोस्तों यहाँ पर टेम्परेरी फास्टनिंग है। तीसरा क्वेश्चन करें, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट के लिए दोस्तों हम लोग ये सिंबल प्रयोग करते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन करें, GMAW का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो GMAW का फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। पांचवा क्वेश्चन है, रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाई। रिवेट आमतौर पर कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, देखिए रिवेट को आमतौर पर दोस्तों हम लोग नॉमिनल डायमीटर से निर्दिष्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है, यह रहता है दोस्तों आपका हाफ सेक्शन, आधा अनुभाग यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए 25 क्वेश्चन आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर NAPS पोर्टल। NAPS पोर्टल रजिस्टर करने की प्राथमिक आवश्यकता होती है वैलिड ईमेल आईडी।
ह्यूमन रिसोर्स और मानव संसाधन क्या होते हैं? तो यह आपके सहकर्मी होते हैं। यहाँ पर भरना है देयर आर द अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, यहाँ पर हो जाएगा देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड हो जाएगा। गलत समाज की ओर कौन ले जाता है? ये हो ले जाता है दोस्तों गलत फहमी पैदा करने वाला, गलत समझ की ओर ले जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इंसर्ट आर आर शर्ट दैट इट इज, ये हो जाएगा ऑलवेज फॉर्मल। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल, देयर इज ए डॉट, यहाँ पर बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस हो जाएगा, तो देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। सातवां क्वेश्चन है कि आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है? तो आमने सामने के संवाद में शब्दों का महत्व 7% होता है। किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। नौवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज, तो सोशल और प्रोफेशनल पर्पज के लिए अंग्रेजी सीखना चाहिए। दस नंबर क्वेश्चन है यू कैन मेंटेन हाइजीनिक एडेटर एंड लिवल, आप व्यक्तिगत और समुदाय स्तरों पर स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब ह्यूमन रिसोर्स इन ए फेलियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का वर्णन क्या है? यह इट एम्प्लॉयज, इसके कर्मचारी। 12 नंबर क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, कार्य का भविष्य हमेशा कैसा होना चाहिए? तो यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा मौखिक संवाद नहीं है? तो अटेंडिंग इंटरव्यू ये आपका मौखिक संवाद नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन का है चेंज द वर्ब टुक इन टू द पैसिव वॉइस, तो टुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा वॉज टेकन या वेयर टेकन। 15 नंबर क्वेश्चन है पी ओ एस एच कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न किसको और किसके बीच सुरक्षा अनिवार्य करता है? तो देखिए पॉस कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के महिलाओं और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ प्रमोशन आर नॉर्मली कंसीडर, प्रदोन्नति को आमतौर पर कैसे माना जाता है? तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यानी कि योग्यता और अनुभव के आधार पर ही आप लोगों का प्रमोशन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल एसएल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड द रो, एमएस एक्सेल में एक्सेल के संदर्भ में कॉलम अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है जब हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम क्या किसका उपयोग कर रहे होते हैं? तो जब हम अपना आवाज़ बोल करके टाइप करते हैं तो हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है करिकुलम वीटा इज आल्सो नोन एज, करिकुलम वीटा का दोस्तों हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के सामान्य व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीजों को क्या कहते हैं? तो ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट यहाँ पर हम लोग कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है ऑलवेज डेटेड योर मोबाइल फोन इन विच मोड, तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड यहाँ पर आपको भरा जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स, कौन सा संसाधन नहीं है? तो लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा यह एक संसाधन नहीं है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइजीनिक, कटे और साफ नाखून रखना, दिन में दो बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना किस स्वच्छता के अंतर्गत आता है? ये आपका व्यक्तिगत या पर्सनल स्वच्छता के अंतर्गत आता है। 25 नंबर क्वेश्चन है वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार ना मानना, ये आपका ग्रीट यानी कि धैर्य कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका फिटर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, मैंने और भी सारे सेट कराए हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।